हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लास्ट हेडिंग, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजो लवणों का क्या महत्व होता है। एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में डाई एजो लवणों का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी आपने अभी तक अभिक्रिया पढ़ा इसके ऊपर, उससे स्पष्ट है कि डाई एजोनियम लवण, ठीक है, बेंजीन वलय में जो N2 है उसके जगह पर बेंजीन वलय में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH, NO2 आदि समूहों में प्रवेश के लिए उत्तम माध्यमिक है। तो डायजोनियम लवण जो है बेंजीन वलय में FClBrICNOH2NO2 को जोड़ने का एक उत्तम माध्यमिक है, ठीक है। एरिल फ्लोराइड और आयोडाइड को सीधे हैलोजनन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। आपको ARF बनाना हो या ARI बनाना हो तो इसको सीधे हैलोजनन द्वारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायजोनियम लवण से बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा साइनाइड समूह का प्रवेश नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा आप साइनाइड समूह को प्रवेश नहीं करा सकते हैं, किंतु डायजोनियम लवण से साइनोबेंजीन को सरलता से बनाया जा सकता है। तो डायजोनियम लवण से आप साइनोबेंजीन को सरलता से बना सकते हैं, लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा साइनाइड समूह को प्रवेश नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। अतः डायजो समूह का अन्य समूहों द्वारा प्रतिस्थापन ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापी यौगिकों को बनाने में सहायक है जो सीधे बेंजीन अथवा प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जो एरोमेटिक यौगिक सीधे बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते हैं, उनको आप डाई एजो समूह से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में डाई एजो लवणों का महत्व। थैंक यू।